please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के चुनाव प्रचार में पहली बार अयोध्या विवाद पर बोले। पीएम ने सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद की सुनवाई टालने के लिए कांग्रेस नेता और वकील कपिल सिब्बल की अपील पर निशाना साधा। सिब्बल की अपील ने प्रधानमंत्री को कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा हथियार दिया। गुजरात में नाना करते करते भी मंदिर का जिन बाहर आ ही गया है और कई चुनावों में सियासी समीकरणों को पलट चुका मंदिर मुद्दा एक बार फिर से चुनावी चौखट को खटखटाने लगा है। 25 बरस हो गए अयोध्या के उस ढांचे को ढहे जिसे मंदिर पक्ष विवादित कहता था और मस्जिद पक्ष बाबरी मस्जिद। वो 6 दिसंबर 1992 का दिन था जब सैकड़ों की संख्या में कार सेवकों ने उस ढांचे को गिरा दिया जो सदियों से विवाद की वजह बना हुआ था। उसी दिन देश की सियासत ने एक नई करवट ली थी जिसमें एक पक्ष था विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, जिसका चेहरा बन के उभरी बीजेपी। आडवाणी, जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती और विनय कटियार उस घटना के आरोपी बने। लेकिन सियासत के उस अयोध्या कांड ने बीजेपी को नई पहचान दे दी। 25 साल के दौरान हुए हर चुनाव में अयोध्या का मुद्दा उठा, राम का नाम आया। चुनावों में कई बार मंदिर बना मस्जिद हुआ। मामले के जनता की अदालत से कानून की अदालत तक होने की दुहाई दी गई। बयानबाजियों ने समाज को हिलाकर रख डाला। कभी वोटों के ध्रुवीकरण का आरोप लगा तो कभी समाज के बटने का डर दिखा। लेकिन अयोध्या से गुजरती सरयू में पानी बहता रहा। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट से होकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। लेकिन पहली ही सुनवाई पर कोर्ट में अयोध्या विवाद को पहली बार सीधे सीधे चुनावी राजनीति से जोड़ दिया गया। पण तमे कोर्ट में एवी कहेवानी हिम्मत करो के 2019 मां लोकसभा नी चूंटणी छे त्यां सुधी आ केस ना चलावो जोईए। सो भाईयो बहनो, आ राम मंदिर नो मुद्दो पण चूंटणीओना नामे लटकावानो। आज सुधी आ दुर्दशा करी छे, आज सुधी आ दुर्दशा करी छे ए मने हवे समझायो। आ एमना चूंटणीना कावा दावाओमां आवा बधा महत्वना प्रश्नोने लटकावी राखवानुं पाप कर्युं छे। इस मामले में कपिल सिब्बल एक वकील ही नहीं कांग्रेस के बड़े नेता भी हैं। जाहिर है बयान पर बवाल होना ही था और वो हुआ भी। गुजरात चुनाव की परछाई में बीजेपी ने सिब्बल के बयान को लपकने में कोई देरी नहीं की। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने का दांव चल दिया। एक ओर मंदिरों के चुनावी दौरे चल रहे हैं और दूसरी ओर श्री राम जन्मभूमि केस पर सुनवाई को टालने के लिए कपिल सिब्बल का उपयोग किया जा रहा है। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी ने अपने दोहरे रवैये को जनता के सामने स्पष्ट करना चाहिए और साफ होकर आना चाहिए कि राम जन्मभूमि केस जल्दी चले वो कांग्रेस पार्टी चाहती है या नहीं चाहती। 6 दिसंबर की बरसी का आना और सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद की सुनवाई होना, दोनों का वैसे तो गुजरात चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब बात वोटों की हो तो कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता। जिस गुजरात चुनाव के दौरान पीएम मोदी और राहुल गांधी मंदिर मंदिर माथा टेक रहे हों, वहां राम मंदिर पर फिर चुनावी पासा फेंका गया। मंदिर मुद्दे से जुड़े रहे बीजेपी के पूर्व सांसद रामविलास वेदांती ने तो सिब्बल के बयान को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई तक से जोड़ दिया। पाकिस्तान आईएसआई एजेंट लोग ला करके सुन्नी बब बोर्ड के लोगों को पैसा देते हैं कि मुकदमा चलता रहे, कभी शांति। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी आतंकवादी कांग्रेस के सिब्बल को ही पैसा दिए होंगे और इसीलिए ये कांग्रेसी लोग आतंकवादियों के पैसे के बल पर कपिल सिब्बल को भेजा है और कहा है कि इसको किसी तरह से रुकवा दो जिससे चुनाव तक मंदिर का निर्माण न हो। उधर राहुल गांधी को जनेऊधारी हिंदू साबित करने में जुटी कांग्रेस ने खुद को घिरता देख कपिल सिब्बल के बयान से पल्ला झाड़ना बेहतर समझा। मंदिर मस्जिद के पीछे के चुनावी गणित को समझ रही कांग्रेस ने बयानबाजी से बचने की कोशिश की, लेकिन वोटों का समीकरण खुलकर सामने आ गया। भगवान राम के नाम पर एक बार फिर वोट बटोरने हेतु किस बात का विवाद खड़ा कर रहे हैं? आदरणीय साथियों, सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी की भूमिका इस पूरे मामले में मंथरा की है।
वो कभी नहीं चाहते कि भगवान राम का वनवास खत्म हो। क्या अमित शाह जी और भाजपा महात्मा गांधी के राम राज्य की कल्पना और मायने जानते भी हैं? उधर कांग्रेस के साथ सियासी जमीन तलाश रही सीपीएम ने भी देर नहीं की। अयोध्या से जुड़ी सुनवाई और उस पर आने वाले हर संभावित फैसले को सीधे जनता से जुड़ा बता दिया। प्रिंसिपल साहब, उन्होंने जो बात कही उसके अंदर एक बात तो जरूर सही है कि अयोध्या के बारे में, बाबरी मस्जिद के बारे में ये जो सुनवाई जो भी होती है कोर्ट कचहरी में, उसका असर बाहर पड़ता जरूर। इस बीच मंदिर मस्जिद विवाद से दूर रहा शिया वक्फ बोर्ड भी इसमें कूद पड़ा। विवाद का हल तलाशने की कोशिश कर रहे आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर से हाथ मिलाया और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का समर्थन कर दिया। शिया बोर्ड ने विवाद के हल में देरी के लिए कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड के पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस इस मंदिर और मस्जिद मामले में गेम खेल रही है। कांग्रेस नहीं चाहती कि ये मामला हल हो। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या केस की सुनवाई अगले साल 8 फरवरी तक के लिए टाल दी है, लेकिन कोर्ट में दी जाने वाली पक्षकारों की दलील भी सुर्खियां बटोरती रहेंगी। अंतिम फैसला भी जाने कब आएगा, लेकिन अयोध्या का विवाद राजनेताओं को बयानबाजी का मौका देता रहेगा और पार्टियों के घोषणा पत्र में अयोध्या का जिक्र हो या ना हो, चुनावी रोटियां सेकने की कोशिश होती रहेगी। और आपको बताएं कि 1885 में पहली बार अयोध्या का पूरा मामला, राम मंदिर का पूरा मामला कोर्ट पहुंचा था। 1950 में फैजाबाद कोर्ट से रामलला की पूजा की इजाजत मांगी गई थी। 1984 विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर आंदोलन की शुरुआत की और 1986 में फैजाबाद कोर्ट ने हिंदुओं को पूजा की इजाजत दी। 1986 में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया गया और जून 1989 में बीजेपी ने बीएचपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया और 1989 में ही तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिलान्यास की इजाजत दी। 1990 में लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से रथ यात्रा निकाली और नवंबर 1990 में आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद वीपी सिंह सरकार गिरी। 6 दिसंबर 1992 कार सेवकों ने मस्जिद का ढांचा गिराया। 2002 जब अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई, उसके बाद 2010 में हाईकोर्ट ने विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला किया। अप्रैल 2017 विवादित ढांचा गिराने के मामले में आडवाणी जोशी पर मुकदमा शुरू हुआ।